नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। कल भारत का 72वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और कल थोड़ा ज्यादा धूमधाम से मनाया गया। एक तो राजपथ पे मनाई, दूसरा एक किसान लोगों ने जो ट्रैक्टर परेड निकाली या ट्रैक्टर रैली निकाली, बहुत सालों तक मेरे ख्याल में लोगों को याद रहेगी। उसमें जो बाकी चीजें थी, क्योंकि उसमें मेजोरिटी जो ट्रैक्टर परेड थी वो दिए हुए रूट से, दिए हुए ढंग से हुई, लेकिन कुछ ट्रैक्टर जो थे वो वहां से उस रैली से निकल के, उस परेड से निकल के लाल किले तक पहुंच गए। और वो उसको एक वो बड़ा इशू है और ठीक इशू है। लाल किले पे वो लोग पहुंचे, वहां पे कुछ लोगों ने चढ़ के एक जो डंडा खाली था, वो डंडा वो है जिसपे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री जी जब भाषण देते हैं तो उस समय वहां पे ध्वज फहराया जाता है। वैसे एक ध्वज तो पीछे ऑलरेडी फहरता रहता है। तो ये जनरली कहा गया शुरू में कि नहीं, ये ध्वज इंडियन फ्लैग उतार दिया गया और उसकी जगह नहीं, ऐसा नहीं। लेकिन लाल किले पे वो ध्वज हरदम भारत का ध्वज फहरना चाहिए, हमारे गर्व और हमारे स्वाभिमान की बात है। और वो जो हुआ वो बिल्कुल गलत था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं हो सकती है। मैं अपनी बात आगे शुरू करूं, उससे पहले मैं दो ट्वीट आपके साथ साझा करना चाह रहा हूं, और दोनों ट्वीट भाजपा और कांग्रेस, इनके दो ऐसे नेताओं के जो जिनको मैं पढ़ा लिखा मानता हूं, जिनको जो अनर्गल बातें नहीं करते हैं, सिस्टमेटिक बातें करते हैं। तो पहला ट्वीट रणदीप सिंह सुरजेवाला का, जो कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता हैं, ये ट्वीट देख के आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं और किसके लिए कह रहे हैं। अब दूसरा ट्वीट, राम माधव जी से ऐसी गलती कैसे हुई ये मुझे नहीं समझ में आता है। अब दूसरा ट्वीट आप देख रहे हैं, इस ट्वीट में राम माधव जी ट्रंप के साथियों ने जिस तरह से हंगामा किया था अमेरिका में, उसकी तुलना वो कुछ ट्रंप की तुलना राहुल गांधी से कर रहे हैं। राम माधव जी इस देश में ट्रंप जी की तुलना उनके दोस्त, उनके हमदम, उनके साथी, कोई हमारे दूसरे नेता माने जाते हैं, राहुल गांधी नहीं माने जाते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ट्रंप की आप उपमा मत दिया करिए, क्योंकि जब आप ट्रंप की उपमा देते हैं तो किसी और नेता का, हमारे किसी बड़े नेता का नाम आता है, राहुल गांधी का नाम उनके साथ रिलेट नहीं होता है। तो वो मेरे ख्याल में आप जब ये टिप्पणी करते हैं तो वो इस समय कोई ट्रंप की बात नहीं कर रहा है, तो ट्रंप की बात आपको भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे कोई आपके पॉइंट्स बढ़ नहीं रहे हैं। ट्रंप की याद आते ही आपके पॉइंट्स घटते हैं, पार्टी के भी और आपके नेता के भी। आज टेलीग्राफ आ चुके, आज पेपर आया नहीं, 27 तारीख को पेपर आया नहीं है, तो टेलीग्राफ का जो ई एडिशन है उसकी हेडिंग्स तो मैं हरदम मानता हूं कि वन ऑफ द बेस्ट है। उसने एक स्टोरी की है, और उसने वो स्टोरी की है दिल्ली पुलिस, एक्स दिल्ली पुलिस के भूतपूर्व दिल्ली पुलिस कमिश्नर के हवाले से। पूरा वो लिखते गए हैं कि एक्स पुलिस कमिश्नर ऑफ दिल्ली, नाम नहीं दिया है। और उसमें उन्होंने ने स्पष्ट ये कहा है, फॉर्मर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने, कि इट वाज अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेल्योर। ये उन्होंने कॉमा, इन्वर्टेड कॉमाज में किया है। दूसरा उन्होंने एक बात जो स्टोरी की हेडिंग है वो ये है, प्रोटेस्ट आर नेवर अ गाइडेड टूर, डिडंट गवर्नमेंट नो। उन्होंने प्रश्न किया है कि जो ये इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं वो कोई गाइडेड टूर ऑपरेटर आपको लेके कैसे चलिए ऐसे चलिए नहीं होता है, सरकार को ये अंदाजा नहीं था। अब हम लोग बात आ जाए कि ये जो एक बड़ा प्रश्न है, सबसे पहला प्रश्न मेरे हिसाब से ये इंटेलिजेंस फेल्योर था, इसमें कहीं कोई दो राय हो ही नहीं सकती है। क्यों देखिए, और देयर इज अ सीक्वेंस, ईश्वर की कृपा है, किसानों के पास सद्बुद्धि है, जो भी यहां सिरफिरे लोग आए मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ दिल्ली में। तो एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि वो हादसा करने नहीं आए थे, वो जो भी कुछ गिने चुने लोग या तो इस आंदोलन को सेबोटेज करना चाहते हैं या उसकी जो क्रेडिटेबिलिटी है उसको कम करने का उनका ध्येय था। मैं इसलिए कह रहा हूं इंटेलिजेंस फेल्योर की बात, कि ये दिल्ली पुलिस और ये जो इंटेलिजेंस एजेंसी जो वहां काम करती हैं, सीधे सीधे गृह मंत्रालय को रिपोर्ट करती हैं। आप थोड़ा ये सिनेरियो सोचिए कि अभी इसकी जगह अगर आम आदमी पार्टी को दिल्ली पुलिस रिपोर्ट कर रही होती तो हमारे जो कथित भाजपा के हमारे नेता लोग हैं वो क्या हालत कर दिए होते। जिम्मेदारी पूरी तरह से गृह मंत्री की है, और ये एक सीक्वेंस है। तबलीगी जमात वाला जब कोरोना के समय हुआ था तब भी इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ था, याद है ना आपको,
इतने लोगों को आपने क्यों वहां जुटने दिया और उनको क्यों परमिशन दी। और उससे पहले भी मैं ले जाना चाहूंगा, जब पुलवामा हुआ था तो वो भी इंटेलिजेंस फेल्योर नहीं था, आज तक कोई रिपोर्ट आई, वो एक देवेंद्र सिंह को आपने पकड़ा अकड़ा, फिर वो बेल पे छूट गया, कैसे छूट गया नहीं मालूम, कोई रिपोर्ट आई, हमारे 40 जवान शहीद हुए, वो एक बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच नहीं, इंटेलिजेंस फेल्योर भी था जो सब लोगों ने माना था। और इस वाले का इसमें भी जो कल दिल्ली में हुआ, ये भी इंटेलिजेंस फेल्योर है, और इसकी जिम्मेदारी तो मतलब गृह मंत्रालय को लेनी चाहिए। और मैं इसलिए इसको स्पष्ट कर रहा हूं कि जो उसके 40 नेता हैं जो नेगोशिएशन में जा रहे हैं, सरकार के साथ बैठ के बात कर रहे हैं, ये तो आपको भी समझ में आता होगा, आप सरकार का है कि नहीं करते हैं, इन लोगों का क्या फोन टैप नहीं हो रहा होगा, इन लोगों की बातचीत नहीं सुनी जा रही होगी, और नहीं सुनी जा रही होगी तो वो भी गलत है, आप बिल्कुल सुन रहे होंगे। और अगर इन 40 नेताओं में कोई भी इन्वॉल्व है इसमें तो उसको सार्वजनिक करिए, उसका 1.5-2 साल का वेट मत करिए अर्णब गोस्वामी के व्हाट्सएप की तरह की, वो 1.5-2 साल बाद, अभी आप सार्वजनिक करिए और बताइए देश को कि इन 40 नेताओं में इस तरह की बातचीत कि इस तरह का जो षड्यंत्र किसने किया। और अगर आप नहीं बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये 40 नेता को आप उसमें क्लीन चिट दे रहे हैं और इनका कोई लेना देना नहीं है। दूसरा एक चीज मैं इसलिए बता दूं कि जो अभी हाय तौबा मची है, सिर्फ याद दिला दूं, 6 दिसंबर 1992 में जब बाबरी मस्जिद गिरी थी तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी ने मुख्यमंत्री के तौर पे और उत्तर प्रदेश स्टेट की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था, हलफ समझते हैं ना, एफिडेविट दिया था कि बाबरी मस्जिद सुरक्षित रहेगी। और फिर क्या हुआ था मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं। तो यहां पे भी जो हुआ है उसको बिल्कुल ये राइट ऑफ कर देना कि वहां पे टैक्टिकल अप्रूवर किसी कुछ लोगों का नहीं था, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता है। अब दूसरी बात आती है जो एक बड़ी बात है कि झंडा, मतलब लाल किले पे वो झंडा कैसे लगा, निशान साहब का और किसान यूनियन का। पहली इससे बात में शुरू कर दूं, बिल्कुल गलत बात, जहां पे देश का राष्ट्रीय ध्वज होना चाहिए वहां पे कोई भी झंडा फहराना बिल्कुल गैर वाजिब बात है, और उस पे जिसने भी किया उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब दूसरी बात सुन लीजिए, देखिए ये भी एक चीज समझ लीजिए कि जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो वहां क्या आर्गुमेंट होगा, क्या कोई झंडा उतारा गया, क्योंकि अगर आप झंडा उतार रहे हैं तो उसकी अवमानना है, वहां कोई झंडा नहीं उतारा गया, वहां एक खाली पड़े पोल पे जो 15 अगस्त के दिन यूज होता है ऐसा कहा जाता है उस पे वो झंडा लगा। अब पुलिस क्या कर रही थी वहां, मैं ये मान सकता हूं कि बाकी चीजों को नहीं रोक सकती थी, लेकिन झंडे वाले एरिया को तो कॉर्डन ऑफ करके रोका जा सकता था, पुलिस क्या कर रही थी, तो पुलिस की भी जवाबदेही यहां कहीं ना कहीं होनी चाहिए। आपकी सिर्फ जानकारी के लिए एक आपको छोटी सी चीज दिखा दूं, हमारे प्रधानमंत्री जी उसी निशान साहब जिसका झंडा कल लगा था उसको गर्व के साथ गौरव के साथ जो पटका बांध के घूम रहे हैं, ये आप भी देख लीजिए। तो वहां कोई ऐसी चीज नहीं लहरा दी गई जिससे किसी को शर्म आए, जो हमारे प्रधानमंत्री को अगर उस पर गर्व है तो हम सबको उस पर गर्व है। अब तीसरी बात पे आते हैं, ये कौन व्यक्ति है जिसने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा शक की सुई दिख रही है, उन भाई उनका नाम है दीप सिद्धू साहब। दीप सिद्धू साहब का वो देख लीजिए कि रिपब्लिक टीवी ने 20 तारीख को वो सब कर दिया था, क्या क्या हरकतें थी। दीप सिद्धू साहब की कुछ फोटो भी आप देख लीजिए, सनी देओल, हेमा मालिनी जी, धर्मेंद्र जी और प्रधानमंत्री सबके साथ इनकी फोटो है, और गृहमंत्री इनके साथ भी है। और ये मानने वाली बात है कि ये कोई हल्के फुल्के व्यक्ति नहीं है। वो अलग बात है कि अब सनी देओल ये कह रहे हैं कि इनसे मेरा कोई लेना देना नहीं, लेकिन 2019 के इलेक्शन में उनके मुख्य इलेक्शन का कामधाम यही देख रहे थे, उनके उनकी कंस्टिट्यूंसी का कामधाम यही देखते हैं। अब वो कह दें कि नहीं मुझसे कोई मतलब नहीं, वो अलग बात है। दीप सिद्धू जी इसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व थे, और वो भी आप एक छोटा सा वीडियो आपको वो भी दिखा दें, जब इनको किसान लीडर्स ने या किसान जो वहां लोकल थे जब इनकी कार्रवाई समझ में आ गई और इनको कैसे दौड़ाया गया और कैसे ये जान बचा के वहां से भगे हैं। भज गया साला, भैन
दूसरा वहां पे एक लखा सिरहाना साहब हैं जो जिनको माना जा रहा है कि ये भी इसमें हैं। ये पहले कोई मुजरिम हुआ करते थे और इस तरह का काम करते थे, लेकिन अब वो इस नए उसमें आके सत्याग्रही ही कुछ बन गए। लेकिन इन सब लोगों को किसान आंदोलन ने बार बार कहा है कि मेरे स्टेज पे आप नहीं आएंगे और मेरा इनसे कोई लेना देना नहीं है, ये बिल्कुल स्पष्ट है। एक संगठन के ऊपर थोड़ी उंगली और उठ रही है जो किसान मजदूर संघर्ष कमेटी में है, जो मोर्चा का पार्ट नहीं है, वो जो 500 लोग उसका पार्ट नहीं है, और सतनाम सिंह पन्नू जी इसके रिस्पेक्टेड लीडर, बहुत पुराने लीडर, पुराने कम्युनिस्ट नेता, वो इसको लीड करते हैं। और उन्होंने मंडे को ही बहुत स्पष्ट कर दिया था कि जो पुलिस और किसान मोर्चा के नेताओं के बीच में रूट माना जा रहा है, हम लोग उस रूट को नहीं मानेंगे। और ये जो सुबह हुआ है ना कि जल्दी थोड़ा ये सब शुरू हो गया और ये हो गया, उसमें उनका भी, उनकी यूनियन का भी एक बड़ा रोल रहा है। तो ये तो मैंने बात कर दी। अब दीप सिंह सिद्धू का क्या कहा, दीप सिद्धू जी का आप खुद ही देख लीजिएगा, आप तक काफ़ी नामी चीज़ हो गए हैं, और जब से उनका नाम ठीक से आया है तब से थोड़ा मतलब अभी तक तो बहुत वो था कि भाई देश के साथ क्या हो गया, लेकिन थोड़ा अब जो भक्त लोग हैं उनको लग रहा है कि नहीं नहीं देश अभी सुरक्षित है जब से दीप सिद्धू जी आ गए हैं। तीन चार चीजें हैं जो जल्दी से मैं आपके साथ शेयर कर लूं। एक तो समय से पहले परेड शुरू हुई, पहला वो है, वो देखने वाली चीज है कैसे हुई कहां हुई, लेकिन ये भी समझने वाली चीज है कि कोई ये ऑर्गेनाइज्ड वो नहीं था कि लिखे तो उसके साथ आप कर रहे थे, ये बिल्कुल इनको तैयार होना चाहिए था कि इस तरह की परेड आगे पीछे हो सकती है शुरू। क्योंकि आप ये जान लीजिए शाम को ये 6 बजे किसान जो संयुक्त मोर्चा था उसने जब आह्वान किया वापस आओ, और उस समय इंटरनेट और ये बंद कर दिए गए थे इन सब बॉर्डर्स में, तो ये सब वापस चले गए हैं ये लोग। किसान जो संयुक्त मोर्चा है उसका कहना है कि परेड जहां तक था बिल्कुल अनुशासित थी, उनके लोग बिल्कुल उस रूट से वापस आ गए। मैं उस डिटेल में नहीं जा रहा हूं अब तक वो है, क्योंकि वो थोड़ा सब्जेक्टिव हो जाता है कि भाई अगर रोके गए तो रास्ता नहीं मिला। मेरे हिसाब से रूट को अगर ठीक से मार्क कर दिया गया होता, उसको आइडेंटिफाई कर दिया गया होता, उसको घुमा दिया गया होता, तो ये नौबत नहीं आती। एक चीज हरदम याद रखिएगा, क्या तोड़फोड़ हुई है, कोई तोड़फोड़ नहीं हुई है। मैं इसको जल्दी से खत्म करके एक बात और आपको समझा दूं। किसान आंदोलन के लिए एक सबक है ये कि बाहरी तत्व आपके आंदोलन में घुस के आपके लिए कैसे परेशानी पैदा कर सकते हैं, आपको आगे से इसका ख्याल रखना होगा। जो भी सेफ गार्ड्स हैं वो आपको लेने होंगे। दूसरा एक चीज जो आज चूंकि पेपर आया नहीं है और टीवी इसको रिपोर्ट नहीं कर रहा है, किसान आंदोलन के लिए एक बड़ी बात, मुंबई में 2 दिन बड़ी सभाएं हुई जहां पे शरद पवार खुद भी आए, बड़े लोग वहां आजाद मैदान में डटे रहे, बेंगलोर में बड़ी सभा हुई, बंगाल में बड़ी सभाएं हुई, पटना में बड़ी रैली हुई, चेन्नई में बड़ी रैली हुई। मतलब ये पूरे देश में जो ये हो रहा था ना, नहीं नहीं ये केवल गिने चुने और एक दो प्रांत और तीन सारी जगहों पर बड़ी रैली हुई है। मैं सरकार के हिसाब से जरा बता दूं, सरकार को भी एक बार सोचना होगा कि जो भी उनके इंटेलिजेंस एजेंसी का जो भी टर्म्स ऑफ रेफरेंस वो देते हैं या वो करते हैं उस पर भी उनको जरा विचार करने की आवश्यकता है। क्योंकि दूसरा यह है कि सरकार को यह भी देखना है, भाजपा को यह भी देखना है कि दीप सिद्धू जैसे लोगों को अगर वो प्रश्रय देते हैं, आश्रय देते हैं, उनकी पीठ पे हाथ रखते हैं, तो इस तरह से वो कैसे किसी भी जगह कुछ ना कुछ शरारत कर सकते हैं। मैं चलते चलते एक जल्दी से एक बात और कह दूं, मेरे हिसाब से इसकी एक टाइम बाउंड, एक आप इंक्वायरी कर दीजिए, टाइम बाउंड हो 30 दिन, 45 दिन, 50 दिन, जो भी आपको इसी के बीच में, और जो भी इसका दोषी हो उसको तुरंत सजा दे दीजिए मेरे हिसाब से। क्योंकि ये आवश्यक है कि किसान का जो आंदोलन है वो इस एक इंसिडेंट से, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कोई उस पर बहुत झटका लगा है। सरकार की तरफ से भी एक सरकार को ये थोड़ी जल्दी करके इसमें जो भी उनको रास्ता निकालना है वो किसानों के साथ बैठ के ही निकलेगा, इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। जल्दी से जल्दी किसान आंदोलन के साथ बात करके, उन नेताओं के साथ बात करके कोई ना कोई रास्ता निकालिए। धन्यवाद। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो
तो रिपब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।